आज का प्रातः क्लास है 1468। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, इस बात को अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप, जो हमको पढ़ाते हैं, वो आत्माओं का बाप भगवान पढ़ाने वाला है। मनुष्यों का बाप अथवा देहधारियों का बाप पढ़ाने वाला नहीं है। कभी ये बात सुनी होगी कि आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं। दुनिया वाले ये तो समझते हैं कि कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु कृष्ण का तो नाम रूप है ना। जो नाम रूप में बंधे हुए हैं वो कैसे पढ़ावेंगे। ये तो पढ़ाने वाला निराकार बाप है, आत्माएं निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार, परंतु आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली। और आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। आत्मा सुनती है और परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, तो ये नई बात है ना। गायन भी है, विनाश तो होना ही का ही है, तो विनाश काल में एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि और दूसरे हैं विनाश काले प्रीति बुद्धि। अंतकाल है, अंत मते सो गति हो जाती है। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर में है, भीतर में है, कण कण में है, अभी नहीं कहते हो। अभी तो जानते हो कि वो सर्वव्यापी हो कि नहीं पढ़ाता। इन सभी बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है कि आत्मा अविनाशी है, और शरीर विनाशी है। आत्मा कब घिसती बढ़ती नहीं है, शरीर तो नष्ट भी हो जाता है। आत्मा तो इतनी छोटी आत्मा 84 जन्म लेकर के सारा पार्ट बजाती है। आत्मा कितने शरीर धारण करती है और कितने शरीरों को चलाती है,
ये समझने की बात है ना। अभी ऊंचे थे ऊंचे बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा, और आत्मा ही पढ़ करके मर्तबा पाती है। वो आत्मा कोई देखी नहीं जाती है, इन आंखों से तो नहीं देख सकते। बहुत कोशिश करते हैं देखने की आत्मा कैसे आती है, कहां से निकलती है, परंतु मालूम तो कोई को नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी कुछ समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो कि आत्मा ही शरीर में वास करती है, तो आत्मा अलग है और जीवन धारण करने वाला जीव अलग है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटा बड़ा होता है। आत्मा पतित और आत्मा पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले, हे बाबा आओ। ये भी समझाया है, सभी सीताएं ब्राइड से हैं और वो है राम ब्राइड ग्रूम। ये संबंध भी तब बनता है जब शरीर धारण करते हैं, नहीं तो उनकी आत्मा का नाम ही शिव है जो कभी बदलता नहीं है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अभी ब्राइड ग्रूम सभी में प्रवेश करे ये तो नहीं हो सकता। ये उल्टा ज्ञान बुद्धि में होने के कारण नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानी करते हैं, पाप करते रहते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। सो भी बेहद के बाप की निंदा करते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट तो फिर भी हद के बाप हैं। अब देखो बच्चे का बाप की ग्लानी करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी ग्लानी गालियां देने लग पड़ते हैं, और ये तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानी करती है। हे भगवान, आप कच्छ मच्छ अवतार लेते हो, कच्छ अर्थात कछुआ के बच्चे हो, मच्छ अर्थात माछला के बच्चे हो, कितनी रूहानी बाप को ग्लानियां देते हैं, गालियां देते हैं और ग्लानी करने लग पड़ते हैं। भारत में ही ऐसी ग्लानी करते हैं और कहां भी कोई ऐसी ग्लानी नहीं करते हैं। कृष्ण के लिए कितनी ग्लानी की है, कहते रानियों को भगाया, यह किया, मक्खन चुराते थे। अभी मक्खन आदि चुराने को
उनको क्या दरकार पड़ी है, कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूं। बात भी बाप ही पतित पावन है, वो सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है। साधु संतादि जो भी हैं, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है, परंतु देखो उनको अहंकार कितना रहता है। जो बैठ करके फिर शास्त्रवाद करते हैं, खास बनारस में जाकर के शास्त्रवाद करते हैं संस्कृत में, एक कहेगा इसका अर्थ ये है, दूसरा कहेगा इसका अर्थ ये है, ये नहीं है। बड़े शास्त्रों की बातों में होशियार होते हैं, फिर उनको मान देने के लिए हरेक को 21-21 रुपया देते हैं। कितना भवका होता है उन शास्त्रवादियों का, 5-5, 7-7 मोटरें भी रहती हैं, सिपाही पहरे वाले रहते हैं, खजाना उनके हाथ में होता है, सारी पलटन साथ में निकलती है। अब यहां देखो शिवाचारी का तो कोई भवका नहीं, कोई पलटन आदि साथ में नहीं रहती है। ये शिवाचारी तो सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बैठ बताते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखावे तो फिर पहले इनका भी भवका चाहिए, परंतु ये कायदा नहीं है, क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बाप इनमें प्रवेश करके बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम पतित बन गए हो, पहले तुम पावन थे, फिर 84 जन्म बाद पतित बने हो। ये पतित दुनिया है ना, सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है, जबकि लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, अभी पतित बन गए हैं। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी, इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर इनको ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूं। बाप ही सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाए हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों की तो बात है ही नहीं, न बाबा के पास कोई शास्त्र है, न इनके पास है, और तुम्हारे पास भी तो शास्त्र नहीं है। ये तो तुमको नित्य नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, और ये तो जानते हो ये शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूं, मैं तो तुमको डायरेक्ट मुख से सुनाता हूं। सुनाता हूं और राजयोग सिखाता हूं,
जिसका फिर बाद में भक्ति मार्ग में गीता नाम पड़ता है। 1469 की वाणी का दूसरा पेज। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई वो शास्त्रवादी गीता है क्या? ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में अध्याय व श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और हूबहू कल पहले मिसल पढ़ाता हूँ और आगे भी कल्प कल्प पढ़ाता रहूंगा। इतनी सहज बात समझाता हूँ, कहता हूँ अपन को आत्मा समझो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी हो जाता है, इसलिए बाबा होलिका का मिसाल देते हैं। ये भी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं, जिसकी यादगार मनाते भी शिवरात्रि है। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से जन्म हो जाता है और जन्म तो माता के गर्भ से होता है। इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं रात्रि को ही आता हूं। पूछते हैं बाबा आपकी कौन सी रात्रि है? कहेंगे द्वापर और कलयुग की रात्रि है। मेरे को ढूंढते रहते हैं रात्रि में, कितने दर दर धक्के खाते रहते हैं। अब मैं कोई दर दर ठिकर भित्तर तीर्थों में मंदिर मस्जिदों में थोड़े ही बैठा हूं जो मुझे बाहर ढूंढते रहते हैं। कहते हैं सर्वव्यापी है तो फिर तेरे में भी है, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे जंगली बन जाते हैं, देवता से आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अब बताओ देवताएं कब शराब पीते हैं क्या? वो ही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि लेके पीने लग पड़ी। ऐसे देवताओं के भी मंदिर होते हैं, देवी देवताएं, जहां शराब आदि का भोग लगाई देते हैं। अब बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। इस पुरानी दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म हैं, नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, बाद में फिर अनेक से अनेक हुए, अभी फिर अंत में एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अजुर 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा ज्ञान अंधेर विनाश। अभी मनुष्यों में बहुत अज्ञान है, बाप ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर बन करके आता है तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तुम्हारी सारी खाद निकल जाती है,
ये योग अग्नि है, जन्म जन्मांतर काम अग्नि ने काला बनाई दिया। योग अग्नि अर्थात एक शिव बाबा की याद गोरा बनाई देती है। कृष्ण का नाम रखा है ना, क्या नाम रखा है? श्याम सुंदर नाम रख देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर के अर्थ समझाती है, एक ही जन्म में श्याम, फिर पुरुषार्थ करके एक ही जन्म में सुंदर बन जाता है। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर थे, तो शरीर भी पवित्र और सुंदर लेते हैं, वहां कितना धन दौलत होता है, सभी कुछ नया होता है, धरती भी नई होती है जो अब पुरानी बनी है। कितनी खाद डालते हैं, अभी से पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं, भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वो विदेशी समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं, हमारे ही कुल का विनाश करने के लिए कोई प्रेरक है। इस साइंस के द्वारा हम अपना ही विनाश कराते हैं, ये भी समझते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, गॉड गॉडेस का राज्य था, भारत की ही प्राचीन कथा है। अभी ये लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे जिनका इतना गायन होता है, कोई ग्लानि शास्त्रों में भी नहीं है कि राजयोग से ऐसे बने। वो ही राजयोग फिर बाप सिखलाई रहे हैं, सन्यासी तो राजयोग सिखलाई नहीं सकते। आजकल कितनी ठगी निकल पड़ी है, नाम रख देते हैं महर्षि, ये महर्षि आदि जाकर के बाहर में कहते रहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग हम सिखलाते हैं, फिर कहते हैं अंडे खाओ, शराब पियो, कुछ भी करो। अरे अभी वो राजयोग कैसे सिखलावेंगे, भोगी बनाए देंगे, मनुष्य को देवता कैसे बनावेंगे, बहुत ठगी करते हैं। फिर उनका जन्म भी आगे चल के बहुत गंदा होता है, सन्यासियों में भी ऐसे होते हैं जो बहुत बीमार आदि पड़ते हैं, ऐसे बीमार पड़ते हैं जैसे कि मैट चैप्स बन जाते हैं। मनुष्य समझते हैं ये तो सातवीं भूमिका में है, इनको कोई भी हर्ष शोक नहीं होता है, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बाबा का तो ये सब देखा हुआ है, देख देख करके बड़ा ही बंडर खाते थे। ऐसे ऐसे मैट चैप्स को भी कह देते हैं भगवान, फिर कह देते हैं सभी ईश्वर हैं। अब आत्माएं कितनी मैट चैप्स बन जाती हैं, अपन को खुद ही बैठ गाली देते हैं। 84 लाख जन्मों से भी पूरा नहीं पड़ता है तो फिर भगवान को ठिककर भित्तर में कायम कर देते हैं, कण कण में ठोक देते हैं।
कितनी ग्लानिंग कर दी है। इसलिए बाप ने समझाया है ये बड़े बड़े हिरण्यकश्यप हैं जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी बैठ करके पूजा करो, मंदिर में मूर्तियां रखी हुई हैं वो तो जड़ हैं, जड़ मूर्तियों की ये आरती बाद में उतारो, पहले मेरी आरती उतारो। फिर देखो प्रहलाद की कथा बैठ बनाई है, नाम रख दिया है प्रहलाद, प्रमाण प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी देने वाला, जो दुनिया के लोगों को भगवान का परिचय दे करके खुशी खुश कर देता है, परंतु उसका बाप दिखाया है हिरण्यकश्यप, जो कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो बाप समझाते हैं देखो आत्मा कितना ऊंच बनती है, फिर पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाते हैं, अभी फिर से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, सब खुश हो जावेंगे। हाँ वहां कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं इस नर का विनाश तो जरूर होना है, यहां तक जो आए हैं वो फिर स्वर्ग में जरूर जावेंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी अगर ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे, पर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे सेवा करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो प्रजावर्ग में चले जावेंगे। अभी विनाश काल तो सभी के लिए है, हाँ विनाश काले प्रीति बुद्धि जो हैं, उनके सिवाय और तो कोई एक बाप को याद नहीं करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वो ही ऊंच पद पा सकते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का स्कॉलरशिप, जो बहुत थोड़ी आत्माओं को मिलता है। तो इस स्कॉलरशिप लेने के लिए तो बच्चों को रेस करनी चाहिए, ये ईश्वर की लॉटरी है, इसके लिए एक तो है याद और दूसरा है देवी गुण धारण करना। 1469 की वाणी का तीसरा पेज। और अगर राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, कोई तो बहुत प्रजा बनाते हैं कोई कम प्रजा बनाते हैं, कम प्रजा बनाते हैं तो छोटे राजा बनेंगे, बहुत प्रजा बनाते हैं तो बड़े राजा बनेंगे। प्रजा बनेगी सर्विस से, म्यूजियम प्रदर्शनी इनसे ढेर की ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर पढ़ते पढ़ते सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाएंगे। ये तुम ब्राह्मणों का ही कुल है, बाप ही आकर के ब्राह्मण कुल बनाते हैं, अडाप्ट करके उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और दो डायनेस्टी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाता हूं। सूर्यवंशी महाराजा महारानी होते हैं,
जो चंद्रवंशी होते हैं उनमें राजा रानी होते हैं, तो उनों को कहेंगे डबल सिर ताज। उनको लाइट का ताज भी होता है और वो रतन जड़ ताज भी होता है। वास्तव में ये तुम ब्राह्मणों की बात है, तुम्हारी आत्मा की चमक लाइट का ताज बनाती है, और जो तुम जिम्मेवारी उठाते हो नई दुनिया स्थापन करने की, वो रतन जड़ ताज बन जाता है। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है, क्योंकि पवित्रता रहती नहीं। उन डबल सिर ताज वालों को मंदिर में जाकर के फिर उनकी पूजा करते हैं। तो देखो जो अपवित्र हैं, लाइट इन बन गए हैं, वो पवित्र देवताओं के आगे जाकर भटकते हैं, माथा टेकते हैं। बाबा कुमारी का भी मिसाल देते हैं, पति तो मनुष्य है, पावन कुमारी के आगे सिर झुकाते हैं। ये सारी बातें कोई सत्युग में नहीं होती हैं, वहां तो सारी दुनिया पावन है, वहां कोई पति तो होते ही नहीं है। उसको कहा जाता है सुखधाम, वॉइसलेस वर्ल्ड है, और इस दुनिया को कहा जाता है विशियस वर्ल्ड, जहां एक भी पावन नहीं है। हाँ, नीच ऊंच मनुष्य तो होते ही है, सन्यासी घर बार छोड़ करके भागते हैं, बेचारी स्त्री को विधवा बना करके चले जाते हैं, बच्चे आर्फन बन जाते हैं। तो देखो ये भी पाप का काम हुआ ना। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है, राजा जाकर के सन्यासी बना तो रानी विधवा बन गई ना। अभी ऐसी विधवाओं का सन्यासी जाकर के फिर गुरु बनते हैं, जो अपनी हमजिंस को विधवा बनाए देते हैं उनको फिर बैठ करके अपना गुरु बनाती है, उनकी पूजा करती है, दूध में पांव को धोवेंगी, उन पांव को चूम करके पानी को अमृत समझ करके पी लेती है। कितनी मूर्खता है इन सन्यासियों को, तो वास्तव में घर में नहीं आने देना चाहिए। अरे फिर भी देखो उनका कितना मान रखते हैं, जो सारा काम उल्टा करते हैं, एक तरफ घर बार छोड़ते हैं ईश्वर को पाने के लिए, और दूसरी तरफ ईश्वर को गाली देते हैं, सर्वव्यापी है, ठिकर भीतर में है। अरे जब सर्वव्यापी है तो तुम योग किससे लगाते हो? कहेंगे ब्रह्म से योग लगाते हैं। अरे ब्रह्म तो तत्व है, वो सर्वव्यापी है क्या? कह देते हाँ। बाप कहते हैं ये ब्रह्म तत्व ही तुम्हारा ब्रह्म है, तुम्हारे में से कोई भी वापस नहीं जा सकता। वास्तव में कोई भी मनुष्य एक दो को सदगति दे नहीं सकता, मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं, मैं आकर के सभी को पावन बनाता हूं। ऐसे नहीं कि पहले से ही सर्वव्यापी हूं। एक तो पवित्र बन शांतिधाम चले जावेंगे,
और दूसरे पवित्र वन सुखधाम चले जाएंगे। ये तो अपवित्र दुनिया है, इसको कहेंगे दुखधाम। तो तीन धाम है, शांति धाम, सुखधाम और फिर अभी ये दुखधाम। सत्युग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होगी। ऐसे सुखधाम के तुम मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं तुम कल्प कल्प मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो और नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर रावण की मत पर चल करके पतित नरकवासी बन जाते हो। तो देखो अनेक गुरुओं की मत पर चलने से तुम्हारा ये हाल हुआ है। देवताएं फिर कैसे विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिर जाते हैं। तो मैं फिर मीठे मीठे बच्चों को आकर के परिचय देता हूं और मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। जैसे गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में नहीं आता हूं, कल्प के संगम युग युग आता हूं, न कि युग युग आता हूं। कल्प के संगम पर मुझे क्यों आना होता है? क्योंकि हेल ही फिर हैविन बनता है, तो नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आता हूं। हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको वो खुशी नहीं रहती है, हमारा उल्लास उड़ जाता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तुम याद करके खुशी भी नहीं रहते? तुम जरूर पूरा याद नहीं करते हो तो तुम्हारी खुशी ठहरती नहीं है। पति को याद करने से कितनी खुशी होती है, वो तो गटर में ही गिराते रहते हैं। और बाप जो डबल सिर ताज बनाते हैं, गटर से निकाल करके स्वर्ग में ले जाते हैं, उनको याद करके खुशी नहीं कर खुश नहीं रह पाते हो। बाप के बच्चे बने फिर कहते हो हमको खुशी नहीं होती है, जरूर तुम याद नहीं करते हो, तुम्हारी बुद्धि में पूरा ज्ञान ठहरा नहीं है, तुम याद नहीं करते हो, इसलिए माया तुमको धोखा देती है। तो बाप बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं, उनको पारस बुद्धि बनाना है। नालिस फुल बाप ही आकर के नालिस देते हैं, वो हर बात में नालिस फुल है। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है, ऐसे बाप से तुमको वर्षा मिलता है। तो ऐसा बनने के लिए तुम आते हो, बाकी वो सभी सत्संग वो तो भक्ति मार्ग के हैं, उनमें ऐप ना ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट होती है, ये कोई वेद पाठशाला नहीं है, ये गीता पाठशाला है। गीता से ही नरसिंह नारायण बनते हो और जरूर बाप ही बनावेंगे।
कृष्ण बच्चा है वो क्या बनावेगा। मनुष्य तो मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकता। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, तुम अपन को चेक करो, आत्मा समझो, घड़ी घड़ी चेक करते रहो, देवान में तो नहीं बैठे हो, तुम कोई देहधारी थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कोई नई आत्मा है तो पूछ रही है कि अनुसुईया पार्ट किसका है। उसी का होगा जो सूर्य ग्रुप वंशी ग्रुप की पालना कर रही हो, है सूर्यवंशी ग्रुप की जो पालना करने के निमित्त बनी हुई होगी उसी का पार्ट अनुसुईया होगा। अनुसुईया का अर्थ क्या है, है? असूया, असूया माने ईर्ष्या देश, अनसूया माने जिसको कोई से ईर्ष्या देश न हो। मुरली में ऐसा बोला है कि बड़ौदा की महारानी को पूछो तुम्हारा महाराजा कहाँ है। ये मुरली में ये वाक्य पढ़ा है किसी ने, हाँ? है? बड़ौदा की महारानी से पूछो कि तुम्हारा महाराजा कहाँ है। कहाँ की महारानी से? बड़ा माने, बड़ा माने क्या, बड़ा और दा माने, अरे हाँ दाता, तो बड़ा देने वाला वो बड़ा महाराजा हुआ। उसकी महारानी बड़ौदा की महारानी हुई। इसका मतलब है कि बड़ौदा की महारानी को पता नहीं है क्या कि हमारा महाराजा कौन है। पूछा तो कुछ नहीं है, बोला है मोर और गरुड़ दो अलग अलग पक्षी हैं। मोर नेशनल बर्ड है और गरुड़ सारे पक्षियों का राजा, पक्षीराज कहा जाता है। और आकाश का राजा खगराज है। पूछा क्या है, है? ये गरुड़ जो नाम है वो सिर्फ नाम है कि प्रैक्टिकल में किसी ने देखा भी है, है? गरुड़ पक्षी किसी ने देखा भी है या सिर्फ नाम ही नाम है शास्त्रों में, है? नाम ही नाम है, प्रैक्टिकल में तो है नहीं। जैसे नेशनल एनिमल बाघ है और जंगल में पशुओं का राजा शेर है, पूछा कुछ भी नहीं है, है? कार्तिकेय का वाहन मोर है, ब्रह्मा का वाहन हंस है, है?
और विष्णु का वाहन गरुण है, तो विष्णु का वाहन गरुड़ क्यों दिखाते हैं और ब्रह्मा का वाहन हंस क्यों दिखाते हैं? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा वाली आत्मा ने पुरुषार्थ में कौन सी वाली आत्मा पर जीत पाई है? पुरुषार्थ में कोई आत्मा के ऊपर जीत पाई? अरे ब्रह्मा को फेल कहें या पास कहें? पास। और राम वाली आत्मा फेल। तो जिसने जीत पाई, खेल खेलते हैं ना, तो कभी कभी खेल ऐसे खेलते हैं कि अगर खेल में तुम हार गए तो हम तुमको हमारा घोड़ा बनना पड़ेगा, हम हार गए तो हम तुम्हारा घोड़ा बनेंगे। तो ऐसे यहां भी बात है कि ब्रह्मा बाबा जीत गए तो जीते हुए ब्रह्मा बाबा राम वाली आत्मा के ऊपर सवार होते हैं, तो उनका हंस वाहन हो गया। राम वाली आत्मा क्या है? रामकृष्ण परमहंस तो विख्यात है, और विष्णु का वाहन गरुड़। गरुड़ क्यों दिखाते हैं? गरुड़ जो है वो वाहन के रूप में यूज किया जाता है या विमान के रूप में यूज किया जाता है? है, विमान के रूप में यूज किया जाता है। तो विमान नई दुनिया में होंगे पक्षियों के या पुरानी दुनिया में होंगे? नई दुनिया में। जब विष्णु विख्यात होगा तो उसका वाहन भी विख्यात हो जाएगा। अभी गरुड़ वाहन दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो विष्णु भी दिखाई नहीं पड़ता। और आ गया, कोई को पूरा पता नहीं है तो लिखा है, हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वी को पाताल में ले जा रहा था। लिखने वाले को ये पता नहीं है कि सारी पृथ्वी को पाताल में ले जा रहा था ही नहीं, सिर्फ ले गया था। क्या? पाताल में ले जाके पृथ्वी को रख दिया। हाँ, जब ले जा रहा था तो काशी नगरी छिटक गई पाताल में जाने से पहले ही। लेकिन शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान ने 12 अवतार धारण करके पृथ्वी मां को बचा लिया। तो पाताल में जाकर के 12 का युद्ध चला या पाताल में जाने से पहले ही बचा लिया? क्या हुआ है? पहले ही बचा लिया है? हाँ, हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को पाताल में ले गया था, सिर्फ काशी नगरी छिटक गई थी। काशी नगरी को पाताल में नहीं ले जा पाया, बाकी पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को। क्या? पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को पाताल में ले गया, वो नहीं बचे गड्ढे में जाने से। तो प्रश्न यहां ये आया है, लेकिन शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान ने 12 अवतार धारण करके पृथ्वी मां को बचा लिया, तो डूबने से पहले बचा लिया या डूबने के बाद बचाया है? देख, तुमने पूरा पढ़ा सुना देखा? हाँ, पाताल में जाने के बाद बचाया। लेकिन बाबा कहते हैं कि पृथ्वी गड्ढे में चली गई, तो
गई कि नहीं गड्ढे में? है? सारी पृथ्वी और पृथ्वीवासी गड्ढे में गए या नहीं गए? है? गए, देखते भी जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव भी करते जा रहे हैं, हाँ हम गड्ढे में जा रहे हैं। तो भी मानने के लिए तैयार? तैयार नहीं है, गड्ढे में जा रहे हैं। बाबा ने बोला है जो बच्चे एनएस में चले गए उनकी भी परीक्षा होगी, बिना परीक्षा लिए मालूम आ जाएंगे हैं? परीक्षा तो होगी, दुर्मुठ चलेगा, फाउंडेशन डाला जाता है तो भारी लोहे का वो औजार होता है, उसमें डंडा लगा होता है, उसे पकड़ के बच बच दुर्मुठ चलता है। तो दुर्मुठ चलेगा तो कोई कोई छिटक जाएंगे, तो सिर्फ मन बुद्धि से छिटकेंगे या शरीर से भी छिटक जाएंगे? है? मन बुद्धि से छिटक जाएंगे तो शरीर से भी छिटक जाएंगे। पहले मन में संकल्प आता है, बाद में वाचा में भी आता है, फिर कर्मणा में, जिन वो बीच बीच में बार बार बोलते हैं हम घर चले जाएंगे घर चले जाएंगे घर चले जाएंगे, तो ब्राह्मणों के वचन है या शूद्रों के वचन है? है? ब्राह्मणों के वचन, ब्राह्मणों के वचन सत्य साबित होते हैं या नहीं होते हैं? सत्य हो जाएंगे, मुख से भी नहीं निकलना चाहिए क्या? हम घर चले जाएंगे। पहले मन में आता है, मन में जब जास की संकल्प आने लग पड़ते हैं तो वो मुख से निकल पड़ते हैं। कोई कितना भी रोकना चाहे नहीं रुकता है, क्यों? क्योंकि मधुबन है शीशे का महल और बाप है बड़े से बड़ा आरसी शीशा। कोई का छुपता नहीं है, जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। तो सिर्फ मन बुद्धि से नहीं छिटकेंगे लेकिन है शरीर से भी छिटक जाएंगे। और दुर्मुठ कैसे चलेगा? परीक्षाएं लेने वाले परीक्षा नहीं लेंगे हैं? परीक्षा जब ली जाती है तो धक्का लगता है कि नहीं? तो जो धक्का लगता है उस धक्के को जो झेल जाएंगे तो झेल जाएंगे, नहीं झेल पाएंगे तो छटक जाएंगे, टूट जाएंगे। कोई ने लिखा है शीतला देवी को गधे पर बैठा हुआ दिखाते हैं, क्या है शीतला देवी की सवारी? गधा। हाथ में झाड़ू दिखाते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जो शीतल स्वभाव वाली है वो तो झाड़ू नहीं लगा सकती। ये क्या बात हुई है? अच्छा जय जगन्नाथ सीरियल दिखा देना है, उसमें जो झाड़ू लगाने वाली है वो सहन करती हुई शीतला दिखाई गई या नहीं दिखाई गई? है? सहन कर लेती है या मारपीट करने वालों को मारपीट करना शुरू कर देती है, झाड़ू मारना शुरू कर देती है? सहन करती है। जो शूद्राणियां हैं झाड़ू लगाने वाली मैला साफ करने वाली वो ज्यादा सहन करती है या महलों में रहने वाले राजाएं महाराजाएं ज्यादा सहन करते हैं? रानियां ज्यादा सहन करती हैं? हैं? कौन सहन करता है? हैं?
महारानी ही तो ज्यादा सहन करती, वो महतरानी ही तो ज्यादा सहन करती है। तो जो झाड़ू लगाने का पार्ट है वो झाड़ू भी तो चैतन्य है। जो झाड़ू लगाने वाली आत्मा झाड़ू कही गई है किसके हाथ में है? शीतला देवी के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में झाड़ू है। तो वो अपने कंट्रोल में चलाती है, किसको? झाड़ू को। और झाड़ू क्या करती है? जो कीड़े मकोड़े हैं, बुद्धिहीन हैं, उन बुद्धिहीन कीड़े मकोड़ों को सफाई कर देती है। वो साफ हो जाए तब विजयमाला का प्रैक्टिकल आवाहन होता है। तो झाड़ू तैयार पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे? है, वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू की साफ सफाई हो रही है। और आत्मा के ऊपर जो कड़े से कड़ी बीमारियां हैं, आत्मा के ऊपर कड़े से कड़ी बीमारियां तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने से जावेंगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव पहले होगा कि बीमारियां पहले जावेंगी आत्मा की? है, पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बुद्धि टूटे तब अनुभव होगा अतीन्द्रिय सुख का। ऐसे नहीं कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म होंगे बाद में, नहीं। ओम शांति।